हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निकल न्यूज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिना पासवर्ड जाने आप ऐप्स लॉकर को कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाके आप ऐप लॉकर्स कोई भी ले लीजिए। मैं एक ऐप्स लॉकर लेता हूँ जो काफ़ी फेमस है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे अभी खोलने वाला हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा, नेट सारा स्लो है। देखिए, ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसे ओपन कर देता हूँ। एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है। मेरा ईमेल आईडी पे बैकअप दे दिया है। देखिए, अभी ये खुल चुका है। अभी मुझे यहाँ पे जो भी ऐप्स है मुझे लॉक करने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जीमेल को लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको ऐप लॉकर को परमिशन देनी होगी काम करने के लिए, अदरवाइज वो होगा नहीं। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। और ये देखिए, मैंने जीमेल को लॉक कर दिया है। मेरी बाकी की और मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप को भी लॉक कर देता हूँ, यूट्यूब को भी लॉक और गैलरी को भी लॉक कर देता हूँ। ओके, अभी मैंने सेटिंग यहाँ पे देखिए, मैंने सेटिंग को लॉक नहीं किया है, तो उसे भी अनलॉक ही रहने देता हूँ। और देखिए, मैंने ये सब लॉक कर दिया है। अभी देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं ऐप लॉकर्स। इसे बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। देखिए, मैं अभी यूट्यूब को चालू करता हूँ तो ये मुझे पासवर्ड मांगता है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, नहीं हो रहा है। देखिए, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप को भी करता हूँ तो ये भी लॉक कर दिया है इसने। अभी अभी आपके पास किसी दोस्त का फ़ोन आया है और उसने ये ऐप लॉकर यूज़ किया है, तो आपको वो ऐप लॉकर का पासवर्ड पता नहीं, मगर आपको गैलरी में भी जाना है, यूट्यूब में भी जाना है, उसके व्हाट्सअप मैसेज भी चेक करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, एक सिंपल सी प्रोसीजर है। आपको जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप जाइए एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन मैनेजर में, ये देखिए ऐप्स लॉकर यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और इसे फोर्स स्टॉप कर देना है। जैसे आप इसे फोर्स स्टॉप करोगे, ये अपना काम करना बंद कर देगा और इस तरह आप देखिए, ये डायरेक्टली खुल गया, ये भी डायरेक्टली खुल गया। गैलरी देखता हूँ, गैलरी को लॉक किया था मैंने, गैलरी भी डायरेक्टली खुल गया। यहाँ पे तो मैंने कुछ इमेज रखे नहीं है, मगर जीमेल को भी लॉक किया था, वो भी डायरेक्टली खुल गया। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी भी ऐप्स लॉकर को बिना पासवर्ड के फोर्स स्टॉप करके कोई भी एप्लीकेशंस खोल सकते हैं, अगर किसी ने ऐप्स लॉकर से एप्लीकेशन को लॉक कर दिया है। मगर अगर आप खुद ऐप्स लॉकर यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी इस तरह आपके मोबाइल का कोई भी ऐप्स बिना आपके परमिशन से ना खोले, तो देखिए आपको एक सेटिंग इसमें और करनी होगी। जैसे तो देखिए, अगर ऐप्स लॉकर आप यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी आपके मोबाइल से छेड़खानी ना करे, तो आपको एक सेटिंग करनी होगी, जो देखिए मैं कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ऐप्स लॉकर खोलना है।
तो देखिए यहाँ पे सेटिंग को मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि आप फोर स्टॉप तभी कर सकते हैं जब आप सेटिंग में इंटर कर सके। अगर आप सेटिंग में इंटर ही नहीं कर सकेंगे तो कोई भी आपके मोबाइल के साथ इस तरह का फोर्स एप्लीकेशन को फोर स्टॉप करके कोई भी आपके इमेजेस, मैसेजेस या व्हाट्सएप कोई भी नहीं देख सकेगा। अभी क्या होगा देखें, जैसे मैं सेटिंग में जाता हूँ ये मुझे पासवर्ड मांगता है, वैसे मैं इंटर होता ही नहीं, इंटर नहीं हो हुआ हूँ तो फोर स्टॉप करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। दोस्तों, हिंदी टेक्निकल न्यूज आपके लिए लेके आता है सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स और स्टिक्स। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और आप मेरे आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं और उससे कुछ सीखना चाहते हैं तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को, उसके बाजू में बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिसके कारण आपको मिलेगी मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल फ्री।